हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स की चर्चा किया था और ए एन का प्रयोग बतलाया था। आज इस वीडियो में मैं द का प्रयोग बताऊंगा, टी एच ई का प्रयोग बताऊंगा। और आपको ऑलरेडी मालूम हो चुका है कि टी एच ई को द कब पढ़ा जाता है, दी कब पढ़ा जाता है। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बतलाया था। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे टी एच ई का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और टी एच ई का प्रयोग नहीं करने पर सेंटेंस गलत कैसे हो जाता है। इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। ज़रा वीडियो पर बने रहें सब लोग। यूज ऑफ द का प्रयोग, आप इसको द दी दोनों पढ़ सकते हैं, जो पहले मैंने आपको बतलाया था। तो सबसे पहले ये समझिए आप कि जब किसी नाउन की चर्चा पहले हो चुकी हो और वही नाउन दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार या बार बार उसकी चर्चा की जाए, तो पहले नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है और फिर उसी नाउन की चर्चा अगर दूसरी तीसरी बार या बार बार रिपीट हो तो उसके पहले टी एच ई का प्रयोग होता है। ये पहला पॉइंट समझने वाली बात है, जरा गौर से समझिए। अब यहाँ देखिए आप, ए मैन केम टू अ पुलिस मैन, मैन केम टू अ पुलिस मैन, मैन एंड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। करा ए मैन केम टू अ पुलिसमैन, एक आदमी एक पुलिसमैन के पास आया एंड आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, और उससे एक प्रश्न पूछा। जरा ध्यान दीजिएगा, पहली बार यहाँ पर मैन आया है इसलिए इसके पहले हमने क्या लगाया, ए, या और भी बोल सकते हैं, अ मैन केम टू अ पुलिसमैन, एक आदमी एक पुलिसमैन के पास आया एंड आस्क्ड हिम, हिम किसके बदले में आया है, पुलिस के लिए, एंड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। बट द पुलिसमैन बट बट द पुलिसमैन डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो ही आस्क्ड द मैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन, अब जरा आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा कि अगर कोई नाउन पहली बार किसी वाक्य में आता है तो उसके पहले आवश्यकता अनुसार ए एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब वही नाउन दूसरी बार या तीसरी बार आता है अर्थात उसको रिपीट किया जाता है बार बार, तो उसके पहले द लगता है। जैसा कि आपने देखा, अ मैन केम टू अ पुलिसमैन,
एक आदमी एक पुलिसमैन के पास आया एंड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, और उससे सवाल किया, प्रश्न पूछा। बट लेकिन देखिए यही पुलिसमैन दूसरी बार आ रहा है, बट द पुलिसमैन डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, पुलिसमैन उस प्रश्न को नहीं समझ सका, नहीं समझा, इसलिए ही आस्क्ड द मैन, देखिए मैन दूसरी बार आया है ना, सो ही आस्क्ड द मैन, इसलिए उसने उस आदमी से पूछा, कहा टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करो। तो आप गौर से देख सकते हैं यहाँ दूसरी बार आया है, यहाँ पर प्रश्न दूसरी बार आया है, क्वेश्चन भी दूसरी बार आया है और मैन भी दूसरी बार आया है, इसलिए यहाँ पर द लगेगा। एक और बात देखिए, आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है, यहाँ पर यह है ना, और इसी गाय की चर्चा हम आगे कर रहे हैं। आई हैव अ काउ, द काउ इज ब्लैक, गाय क्या है, काली है। तो यहाँ आपने देखा कि पहली बार आया ये लगा, आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है, द काउ इज ब्लैक, गाय क्या है, काली है। तो जब किसी नाउन को दूसरी बार या तीसरी बार दोहराया जाए तो उस नाउन की विशेषता बन जाती है कि पहले वाली है, इसलिए वहाँ पर क्या लगा, द हमने लगाया। अब देखिए द का प्रयोग बहुत जगह होता है, जो आपको हम पॉइंट वाइज बताएंगे तो टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप ज़रा सुनने की कोशिश करें। द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले किया जाता है, जिस सिंगुलर कॉमन नाउन से पूरे जाति का बोध हो जाए, जिस सिंगुलर कॉमन नाउन से पूरे जाति का बोध हो उसके पहले हम द लगाते हैं। जैसे आप देखिए, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय क्या है, एक लाभदायक पशु है, उपयोगी जानवर है। तो ये एक गाय की बात नहीं कर रहा है, ये दुनिया की सब गाय लाभदायक है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, द, और इस द से पूरे गाय जाति का बोध हो गया। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार जानवर होता है। ये एक कुत्ता की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे कुत्ता जाति की बात कर रहा है। तो यहाँ आपने देखा सिंगुलर कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन क्या होता है, जिस नाउन से किसी चीज़ के संपूर्ण जाति का बोध हो जाए उसे कॉमन नाउन कहते हैं, और यहाँ पर गाय से, गाय कहने का मतलब है पूरे गाय जाति का बोध हो गया। अब यहाँ देखिए, द बॉय इज नॉटी, लड़का नटखट होता है, इज माने होता है, ये लड़का जाति की विशेषता है, खासियत है कि लड़का नटखट होता ही है। अगर एक आध अपवाद में हो जाए तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन लड़का क्या होगा, द बॉय इज नॉटी, लड़का नटखट होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो ये संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है और ये सिंगुलर कॉमन नाउन है। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा, प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द नहीं लगता है, लेकिन अगर प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द लगाया जाता है तब उस से किसी खास चीज़ का बोध हो जाता है, उसकी विशेषता का बात होता है और उससे कुछ चीज़ का ही बोध होता है।
जैसे कि आप देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि बॉयज बॉयज आर नॉटी, लड़के नटखट होते हैं, ये प्लूरल कॉमन नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन है, इससे पूरे लड़के जाति का बोध हो रहा है कि बॉयज आर नॉटी, लड़के नटखट होते हैं। यहां पर हमने द नहीं दिया, क्यों? ये प्लूरल कॉमन नाउन है और इससे संपूर्ण लड़का जाति की बात हो रही है। डॉग्स आर फेथफुल, डॉग्स आर फेथफुल, कुत्ते वफादार होते हैं। यहां जो कुत्ते हैं, ये संपूर्ण इस धरती पर जितने कुत्ते हैं उस सब कुत्ते की बात हो रही है। ये प्लूरल है, इनसे पूरे जाति का बोध होता है, इसीलिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द नहीं लगता है और एन तो लगता ही नहीं है क्योंकि प्लूरल है। गर्ल्स आर साई, लड़कियां शर्मीली होती हैं, ये दुनिया की हर लड़की की बात है। एक आध परसेंट अगर शर्मीली नहीं हो वो तो अपवाद की बात है, लेकिन एवरेज औसतन लड़कियां शर्मीली होती है आज के ज़माने में भी, हालांकि दुनिया बहुत फ्रैंक हो गई है। तो यहाँ आपने देखा कि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द नहीं लगता है, लेकिन प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द लगाएंगे तो उससे कुछ चीज़ का ही बोध होगा, कुछ का ही बोध होगा जिसे वक्ता और श्रोता दोनों जानते हैं, दोनों जानते हैं। ध्यान रहे, अगर प्लूरल कॉमन नाउन के पहले, प्लूरल तो जानते हैं कि सिंगुलर मतलब एक, सिंगुलर में एस नहीं लगता है, बहुत सारे ऐसे प्लूरल नाउन भी है जिसमें एस नहीं लगता है, जैसे मैन का मेन होता है, वुमन का वीमेन होता है, पुलिस पीपल पब्लिक, ये सब प्लूरल है लेकिन इसमें एस नहीं लगा हुआ है। ये तो सिंगुलर प्लूरल एक चैप्टर आपको ग्रामर मिलेगा, पढ़ सकते हैं। देखिए, सिंगल सोर्स से कोई भी चीज़ मजबूत नहीं होता है, खास करके इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर, इफ़ यू वांट टू एक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं या अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भिन्न भिन्न सोर्स के जरिए नॉलेज प्राप्त करना चाहिए, और आज के समय में तो बहुत सारा डिवाइसेज है, बहुत सारे टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब का ज़माना है जो आप बहुत तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द लगाने से उससे पूरे जाति का बोध नहीं होता है बल्कि कुछ का ही बोध होता है जिसे वक्ता और श्रोता दोनों जानते हैं। जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, The boy, where भी पढ़ते हैं इसको, वर खास कर किसको पढ़ेंगे, वर, The boys were intelligent, The boys were intelligent, लड़के तेज थे। दुनिया के सब लड़के की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, लड़के तेज थे मतलब वे लड़के जिन्हें बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानता है। The dogs are black, करेक्ट, कुत्ते काले हैं, कुत्ते काले हैं मतलब ये कुत्ते या वे कुत्ते, सेंस यहाँ पर यह है, दुनिया के सब कुत्ते काले होते नहीं हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कुत्ते काले होते हैं, सो नहीं कह सकते हैं, इसका मतलब हो गया कुत्ते काले हैं। फिर देखिए,
द गर्ल्स हैव कम हियर, द गर्ल्स हैव कम हियर, लड़कियां यहां आ चुकी हैं। मतलब सब लड़की की बात नहीं कर रहा है, कुछ लड़कियां हैं जो यहां आ चुकी हैं, ये लड़कियां या वही लड़कियां यहां आ चुकी हैं, द गर्ल्स हैव कम। इस तरह से बहुत सारे इसके नियम्स हैं, आप लोग निश्चित रूप से ग्रामर रखे होंगे और उस ग्रामर में आर्टिकल चैप्टर है। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि टीचर इज नथिंग बट ए गाइड, द टीचर ओनली गाइड्स द स्टूडेंट। इफ द स्टूडेंट्स फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द टीचर, देयर फ्यूचर इज ब्राइट एंड दे कैन डू द बेस्ट इन देयर फ्यूचर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन सी, यू कैन रीड योर ग्रामर बुक ऑल्सो, ओनली देन यू कैन गेट, यू कैन एक्वायर डिटेल नॉलेज। जो वस्तु दुनिया में एक ही हो, द थिंग्स विच आर ओनली वन इन द एंटायर वर्ल्ड, बिफोर दैट THE इज यूज, कह रहा है कि जो वस्तु दुनिया भर में एक ही हो उसके पहले द लगता है। जैसे देखिए, द अर्थ इज राउंड, अगर यहाँ पर आप द नहीं देते हैं तो सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत। पूरे दुनिया में धरती एक है, इसीलिए हमने लगाया द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है। द सन शाइन्स बाय डे, सूरज दिन में चमकता है। द मून ब्राइटेंस एट नाइट, चांद रात में चमकता है, चांद रात में चमकता है। ब्राइटनेस माने भी चमकना होता है, साइंस माने चमकना होता है। द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, ये सब क्या है, पूरे दुनिया में एक ही है। द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। देखा आपने, द लग गया। चौथा नंबर है, जितने पॉलिटिकल पार्टीज है सारे पॉलिटिकल पार्टीज के पहले द लगता है। जैसे देखिए, द कांग्रेस पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, द RJD, द JDU, द बसपा, द समाजवादी पार्टी। ये जितने पार्टी आप देख रहे हैं ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जब उसके पहले द लगेगा, आपको मालूम है चार डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इस चारों डायरेक्शंस के नाम के पहले द लगता है। जैसे द ईस्ट माने पूरब, द वेस्ट माने पश्चिम, द नॉर्थ माने उत्तर, द साउथ दक्षिण। सिक्स नंबर में है, जो भी फिजिकल पोजीशन है, भौतिक स्थिति, उसके पहले द लगता है। द मिडिल मध्य में, द सेंटर केंद्र में, द बैक पीछे, द फ्रंट आगे सामने, एटसेट्रा।
आप जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री एक एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का तीन डिग्री होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री होगा उसके पहले द लगेगा। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, तो बेस्ट क्या होगा, गुड माने अच्छा, बेटर माने अधिक अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप कह सकते हैं यू आर द बेस्ट बॉय, यू आर द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास, इस क्लास में आप सबसे अच्छे लड़के हैं, मतलब सबसे अच्छा लड़का आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। यू आर द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास। सोनी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स इन बिहार। इसका मतलब हो गया कि सोनी बिहार में सबसे लंबी लड़कियों में से एक है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, इसलिए इसके पहले द लगेगा। बेस्ट क्या, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द लगेगा। तो आप जो भी होगा, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट हैंडसम बॉय, द मोस्ट ऑनेस्ट टीचर, द ग्रेटेस्ट मैन, ये सब सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले द लगेगा। देखिए जनरली प्रॉपर नाउन के पहले एन द नहीं लगता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का समान गुण स्वभाव किसी दूसरे व्यक्ति में हो तो इस परिस्थिति में प्रॉपर नाउन के पहले द लगता है। जैसे देखिए कालिदास was Shakespeare of India। अब जरा ध्यान दीजिए, जो गुण कालिदास में था वही गुण इंग्लैंड का शेक्सपियर था, शेक्सपियर में था। तो यहाँ कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया कि कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब कालिदास भारत का शेक्सपियर था। उसी तरह से हम कह सकते हैं शेक्सपियर, शेक्सपियर वाज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। तो आप सोचते होंगे यहाँ कालिदास के पहले द लगा है, क्योंकि कालिदास की तुलना किससे किया गया है, शेक्सपियर से, दोनों प्रॉपर नाउन है। जो गुण शेक्सपियर में था वही वही गुण भारत के कालिदास में था, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है, द। देखिए बहुत सारे नियम हैं, और भी नियम हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि आर्टिकल चैप्टर आप ग्रामर किताब ले लीजिए, उसमें बहुत सारे नियम दिए जाते हैं, और आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। थैंक यू।